सो वी हैव कम्प्लीटेड विद द टोनर और अब हम जाएंगे हमारे मॉइस्चराइजिंग के स्टेप के ऊपर. तो बिफोर मैं आपको थोड़ा कुछ नॉलेज दे दूं ऑयली स्किन को लेकर. अगर आपके पास ऑयली स्किन है तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट मैटिफाइंग प्राइमर या फाउंडेशन पाउडर्स उन सबसे स्टार्ट नहीं करना है, ये सोचकर कि आपका बेस बहुत अच्छा बनेगा, बहुत फ्लॉलेस बनेगा. उस जगह पर आप बिल्कुल बिल्कुल गलत हो, बिकॉज अगर आपने ऐसा कर दिया, आपने डायरेक्ट फाउंडेशन अपने पाउडर्स सब कुछ लगा दिया, तो वहां पर ऑयल क्या करेगा, ऑयल बहुत जिद्दी होता है, वो और बाहर आने की कोशिश करेगा. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो ऑयल एक छोटे बच्चे की तरह है, हम उसे जितना रोकने की कोशिश करेंगे वो उतना ही उस चीज करने के लिए वो उतना ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, वो उतना ही जल्दी वो काम करने की कोशिश करेगा, वही चीज करने की कोशिश करेगा. सो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये स्टेप को स्किप नहीं करना है, बल्कि आपको यहाँ पर वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर या जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर का यूज करना है, ताकि ऑयल को थोड़ी सी शांति मिल जाएगी, उसे एक काम मिल जाएगा, इंस्टेड कि वो आपका मेकअप बिल्कुल खराब करे. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये स्टेप को कभी भी स्किप नहीं करना है, आपको कंपल्सरी ऑयली स्किन है तो भी आपको मॉइस्चराइजिंग करना ही है. थैंक यू.